हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आपको आज की इस वीडियो में मैं लेके जा रही हूँ मसूरी की सबसे फेमस एंड ब्यूटीफुल लोकेशन पे, जिसका नाम है कैंप्टी फॉल्स। ये वाटरफॉल मसूरी का सबसे सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना सुंदर है ये वाटरफॉल, लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ कैसे आए, एंट्री टिकट कितनी है, आपका यहाँ पे कितना खर्चा आएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं कैंप्टी फॉल्स में, क्या टाइमिंग है और कितना समय लगता है इस जगह को घूमने के लिए। सो ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मसूरी का सिटी सेंटर माना जाता है ये चौक, जिसका नाम है लाइब्रेरी चौक। सो इस वीडियो में मैं आपको कैंप्टी फॉल्स की दूरी लाइब्रेरी चौक से बताऊंगी। कैंप्टी फॉल्स लाइब्रेरी चौक मसूरी से आराम 12 किलोमीटर दूर है, और जहाँ पे गाड़ी या बाइक से पहुँचने में 30 मिनट्स का समय लग सकता है। और यहाँ मसूरी से कैंप्टी फॉल्स के लिए बस टैक्सीज भी चलती हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ बाइक, स्कूटी या फिर अपनी कार से आना प्रेफर करें, ताकि आप रास्ते में रुक रुक के मसूरी की अच्छी अच्छी लोकेशन को देख सकें। मसूरी से कैंप्टी फॉल्स के बस चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन के अराउंड रहता है, और टैक्सीज के चार्जेस आने जाने के 500 रुपीज़ पर पर्सन हैं, और ये चार्जेस चेंज होते रहते हैं टाइम एंड सीजन के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर कैंप्टी फॉल्स के लिए कोई भी व्हीकल लेके जाते हैं तो उसके चार्जेस हैं, जो कि हैं 1 से 5 सीटर तक 40 रुपीज़, 6 से 10 सीटर तक 60 रुपीज़, 11 से 20 सीटर तक 80 रुपीज़, और 20 से अधिक सीटर के लिए 150 रुपीज़। तो आपको कैंप्टी फॉल्स जाने के लिए ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और यहाँ कैंप्टी फॉल्स के पास व्हीकल पार्किंग के भी चार्जेस हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट पार्किंग स्लॉट्स दिख जाएंगे। 4 व्हीलर्स के लिए चार्जेस हैं 200 रुपीज़, एंड 2 व्हीलर्स के लिए 50 रुपीज़ हैं। और ये चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप फॉल के कितना नज़दीक पार्क कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा दूर पार्क करते हैं तो ये चार्जेस थोड़े कम होते हैं। वो यहाँ पे आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग पार्किंग एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मेन रोड पे सामने ही कैंप्टी फॉल्स का एंट्री पॉइंट है, और बहुत छोटा सा एंट्री पॉइंट है। यहाँ से नीचे कैंप्टी फॉल्स की ओर जाते हैं, और इस रास्ते की दोनों ओर मार्केट है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे सीजन के टाइम, सो आप यहाँ पे नीचे आराम से जाएं और अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। 6 सीढ़ियाँ नीचे आने के बाद आपको सामने ये रोप वे का एंट्री पॉइंट दिख जाएगा। सो यहाँ से अगर आप नीचे रोप वे से जाना चाहते हैं तो ट्रॉली से कैंप्टी फॉल्स आने जाने का टिकट 250 रुपीज़ पर पर्सन रहता है, और ये टिकट प्राइजेज चेंज होते रहते हैं सीजन के साथ, और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहती है। ट्रॉली के अलावा आप नीचे सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, अराउंड 100 स्टेयर्स हैं कैंप्टी फॉल्स तक। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर फिट हैं और सीढ़ियाँ चढ़ और उतर सकते हैं तो नीचे पैदल सीढ़ियों से ही जाएं, क्योंकि नीचे कैंप्टी फॉल्स तक मार्केट बनी हुई है जिसे पैदल चल के ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इस मार्केट में बहुत सारी यूनिक आइटम्स हैं जिन्हें आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए खरीद सकते हैं, पर आप पहले नीचे जाएं डायरेक्ट फॉल्स की ओर और वापसी में इन शॉप्स को अच्छे से एक्सप्लोर करें। और यहाँ आपको नीचे जाते हुए बहुत सारे फूड पॉइंट्स भी दिखाई देंगे, सो आप यहाँ बैठ के रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं। एंड इसी मार्केट में बहुत सारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स की शॉप्स भी हैं, सो आपको यहाँ पे इजीली किराए पे नहाने के कपड़े और साथ में चेंजिंग रूम एंड लॉकर भी मिल जाएगा। लॉकर के चार्जेस हैं 50 रुपीज़, चेंजिंग रूम 20 रुपीज़, और यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी आपको 50 रुपीज़ तक मिल जाएंगे। और यहाँ पे नीचे वाटरफॉल्स में नहाने के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो टायर्स और ट्यूब्स होते हैं, अगर आप ये लेते हैं तो इनके कुछ चार्जेस रहते हैं। यहाँ कैंप्टी फॉल्स में आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ गर्मियों में आपको हमेशा ही इतनी भीड़ दिखाई देगी, इतनी पॉपुलर है ये जगह। और ये वाटरफॉल देखिए, काफ़ी बड़ा और नेचुरल वाटरफॉल है ये, एंड लोग सबसे ज़्यादा इसी जगह पे इंजॉय करते हैं। ये कैंप्टी फॉल्स का मेन वाटरफॉल है, पर यहाँ पे भीड़ होती है, सो अगर आप भीड़ से अलग पानी में जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो इस वाटरफॉल के नीचे एक और छोटा सा वाटरफॉल है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और नहा सकते हैं, और यहाँ पर आपको कम ही भीड़ दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर भीड़ से बचना चाहते हैं तो आपके पास इस पूल की ऑप्शन भी है। और यहाँ पे इस जगह पे स्विमिंग और वाटरफॉल्स के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अलग अलग चार्जेस हैं, जिन्हें आप यहाँ पे कर सकते हैं। माउंटेन स्विंग है इस जगह पे, आप ऊपर देख सकते हैं, सो आप ये भी यहाँ पर अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा स्काई साइकिलिंग है, सिप लाइनिंग भी है यहाँ पर। सो अगर आप कैंप्टी फॉल्स आए हैं तो इन एक्टिविटीज़ को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। और इन सारी एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ पे सामने ये एडवेंचर पार्क भी है, यहाँ पे आप बोटिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि चार्जेबल हैं। एंड इस एडवेंचर पार्क में ऊपर ये स्काई वॉक है।
सो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी इसी जगह पे। सो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप कैंपटी फॉल्स आ रहे हैं तो आप अपना पूरा दिन निकाल के आएँ, क्योंकि इस जगह पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ मेन वाटरफॉल के साथ में बहुत सारे फूड पॉइंट्स हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ आप किसी भी जगह पे बैठ के इस ब्यूटीफुल से वाटरफॉल के साथ अपना फूड एंड ड्रिंक्स इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे वापसी में इन शॉप्स को एक्सप्लोर करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिक एंड अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए खरीद सकते हैं, और इनके प्राइजेस भी रीजनेबल हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।